नमस्ते बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 12th एक्सरसाइज 7.3 पढ़ेंगे। 7.2 तक हमने पढ़ लिया था। अब देखो, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको देख लेते हैं, उनको लर्न कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। चलो देखते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। साइन एक्स माइनस वाई साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। प्लस के स्थान पर माइनस होगा, बस यही डिफरेंस अंतर हुआ इसमें। कोस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कोस एक्स कोस वाई, लेकिन यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा, साइन एक्स साइन वाई। कोस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। देखो यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला था, इसमें साइन और कोस साथ साथ आ रहे थे, साइन और कोस साथ साथ। प्लस था वहां पे प्लस ही रहा, माइनस है वहां पे माइनस, लेकिन कोस में जहां प्लस है ना वहां पे माइनस आ जाएगा, और माइनस है वहां पे प्लस आ जाएगा, और पहले कोस कोस आएगा, बाद में साइन साइन आएगा। अब देखो साइन एक्स प्लस साइन वाई, टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू कोस एक्स माइनस वाई अपॉन टू। साइन एक्स माइनस साइन वाई इज इक्वल टू टू कोस एक्स प्लस वाई अपॉन टू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू। इसी प्रकार कोस एक्स प्लस कोस वाई इज इक्वल टू टू कोस एक्स प्लस वाई अपॉन टू कोस एक्स माइनस वाई अपॉन टू। कोस एक्स माइनस कोस वाई इज इक्वल टू माइनस टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू। टू साइन एक्स कोस वाई, टू साइन एक्स कोस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। टू कोस एक्स साइन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। टू कोस एक्स कोस वाई इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई। फिर टू साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल टू कोस एक्स माइनस वाई माइनस कोस एक्स प्लस वाई। हो गए यहां तक। अब कुछ बेसिक सूत्र हैं, वो तो आपको पता होगा, टेन एक्स प्लस वाई, टेन एक्स माइनस वाई, साइन टू एक्स, ऐसे वाले। चलो आप देख लेना, आपको नहीं बता है तो आप बता देना बाद में, मैं कमेंट करके बताना, फिर मैं आपको बता दूंगी। अब देखो एक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला आता है, ये जीरो या पाई बाई टू या पाई और या टू पाई। देखो जीरो पाई बाई जीरो नब्बे एक सौ अस्सी तीन सौ साठ, यही होगा ना। यहाँ थ्री पाई बाई टू आएगा, थ्री पाई बाई टू और यहाँ टू पाई एंड तीन सौ साठ, यहाँ दो सौ सत्तर। जीरो नब्बे एक सौ अस्सी दो सौ सत्तर और तीन सौ साठ। इसमें एक सौ ट्रिक होती है, ट्रिक ए एस टी सी, ये आपकी ट्रिक है। देखो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड
और ये फोर्थ, यानी कोऑर्डिनेट यानी फर्स्ट चतुर्थांश। फर्स्ट चतुर्थांश के अंदर ए, ए यानी ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। एस, एस से क्या बनता है साइन, और साइन के साथ क्या आता है कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव। और बचे हुए टेन कोट सेक और कोस, वो नेगेटिव। फिर टी, टी से टेन, टेन, टेन के साथ क्या आता है कोट, कोट, ये दोनों पॉजिटिव और बचे हुए नेगेटिव। फिर सी, सी से क्या होता है कोस, कोस के साथ सेक, ये दोनों पॉजिटिव और बचे हुए नेगेटिव। देखो जैसे देखो साइन माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स क्या होता है माइनस का साइन एक्स, कोस माइनस एक्स वो प्लस का कोस एक्स, साइन पाई बाई टू प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन, साइन के अंदर साइन पाई बाई टू प्लस एक्स यानी सेकंड कोऑर्डिनेट में आ गया, तो सेकंड चतुर्थांश में आ गया, तो सेकंड चतुर्थांश में कोस पॉजिटिव, साइन, साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव, तो यहाँ पे आएगा साइन पॉजिटिव का, साइन पाई बाई टू है तो ये चेंज होगा, साइन किस में चेंज होता है कोस में, तो कोस एक्स, कोस पाई बाई टू, पाई बाई टू प्लस एक्स इज इक्वल टू, पाई बाई टू है तो ये तो निश्चित है, कोस किस में चेंज होगा साइन के अंदर, कोस में, तो कोस देखो कोस पाई बाई टू प्लस एक्स यानी पाई बाई टू प्लस यानी सेकंड चतुर्थांश में, दूसरा चतुर्थांश सेकंड कोऑर्डिनेट, इसमें कोस पॉजिटिव है या नेगेटिव, यानी नेगेटिव है तो साइन आएगा नेगेटिव और कोस बदलेगा साइन एक्स में। फिर देखो साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, तो देखो पाई बाई टू माइनस करेंगे तो कौन से में आएगा फर्स्ट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी पॉजिटिव, तो पाई बाई टू है तो साइन चेंज होगा कोस एक्स में लेकिन होगा पॉजिटिव। ऐसे ही कोस पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये तो निश्चित है होगा साइन एक्स, लेकिन साइन एक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो पाई बाई टू माइनस एक्स, पाई बाई टू माइनस एक्स, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑल पॉजिटिव तो साइन एक्स भी पॉजिटिव, फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा सेकंड होगा। अब थर्ड कोऑर्डिनेट, थर्ड में क्या करेंगे साइन, थर्ड में आने के लिए पाई में कुछ जोड़ेंगे तभी तो सेकंड में आएगा, पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू पाई है तो साइन का साइन रहेगा साइन एक्स, लेकिन पाई प्लस तो इसमें आएगा तो साइन इसके अंदर पॉजिटिव है या नेगेटिव, नेगेटिव, टेन कोट पॉजिटिव है और सभी बचे हुए ट्रिग्नोमेट्री फलन या फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन नेगेटिव होंगे तो साइन एक्स भी नेगेटिव होगा। ऐसे ही कोस पाई प्लस एक्स, कोस पाई प्लस एक्स वो भी इसमें आएगा वो भी नेगेटिव होगा, कोस पाई प्लस एक्स है तो वो चेंज नहीं होगा, कोस का कोस एक्स रहेगा। देखो साइन पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स करेंगे तो किस में जाएगा सेकंड में, सेकंड में साइन, सेकंड में नेगेटिव है या पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो साइन एक्स, कोस पाई माइनस एक्स बने तो का कोस एक्स, लेकिन ये देखो इस कोऑर्डिनेट के अंदर कोस पॉजिटिव है या नेगेटिव, नेगेटिव, तो नेगेटिव का साइन। ऐसे ही साइन इसमें होगा एफ थ्री पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू प्लस एक्स इज इक्वल टू, थ्री पाई बाई टू में कुछ जोड़ रहे हैं तो चतुर्थ में जाएगा, चतुर्थ के अंदर साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव, 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 लेकिन साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही कोस थ्री पाई बाई टू प्लस एक्स इज इक्वल टू
कोस साइन में चेंज होगा, लेकिन ये देखो कोस इसमें पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव, तो साइन एक्स पॉजिटिव रहेगा। अब थोड़ा सा यहीं पे देख लो, यहीं पे बता देती हूँ, साइन टू पाई प्लस एक्स, ये टू पाई है, टू पाई में कुछ जोड़ेंगे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव तो साइन एक्स भी पॉजिटिव, वैसे ही कोस टू पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स पॉजिटिव, साइन टू पाई माइनस एक्स, टू पाई में से घटाएंगे तो वापस फोर्थ में आ जाएगा, तो साइन फोर्थ में क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन एक्स। ये साइन और कोस को लेकर ही मैंने आपको बताए हैं चतुर्थांश का नियम। अगर आपको सभी त्रिकोणमितीय फलन पॉजिटिव हैं या नेगेटिव, कौन से कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होंगे कौन से में नेगेटिव होंगे चाहिए, तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। अब अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का समाकलन करना है dx के सापेक्ष। साइन स्क्वायर x का समाकलन होता नहीं है, इसलिए साइन स्क्वायर x को हमें चेंज करना होगा। तो साइन का कोस के रूप के पदों में कोई फॉर्मूला है, कोस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है, तो हमें क्या चाहिए साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स रख लो, टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस का, ये वन इस साइड आएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, कोस टू एक्स माइनस 1, लेकिन हमारा तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, टू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे, इसको इस साइड ले आएंगे और इसको उस साइड लेके चले जाएंगे, तो कोस 2x माइनस 1, ये पूरा माइनस का, ये साइन माइनस का यहां लग जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। इस साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पर 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 पुट कर देंगे, रखो समाकलन 1 माइनस कोस 2, देखो x है ना x, उसके स्थान पर यहाँ क्या है 2x प्लस 5, तो x के स्थान पर 2x प्लस 5 रखेंगे अपॉन 2 इंटू dx, टू समाकल वैसे कॉन्स्टेंट है तो बार आ जाएगा समाकलन 1 माइनस कोस, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाओ 4x प्लस 10 इंटू dx, अब इसको अलग अलग लिख दो 1 अपॉन 2 समाकलन 1 डॉट dx माइनस समाकलन कोस 4x प्लस 10 इंटू dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, 1 का समाकलन x माइनस कोस का साइन x यानी साइन 4x प्लस 10, और 4 का क्या होगा 4x का 4 प्लस c। देखो जो अपन अवकलन करते हैं ना उसके अंदर तो जो इसका साइन और थीटा का गुणांक होता है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फलन के साथ वो किस में आता है मल्टीप्लाई में, लेकिन समाकलन करेंगे ना उसके अंदर थीटा या एक्स, थीटा हो चाहे एक्स हो, उसका गुणांक में उसके गुणांक में जो भी संख्या होती है ना वो समाकलन में भाग में लिखते हैं उसको, चाहे नोट लगा के इस चीज को आप लिख लो, इज इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो x अपॉन 2 माइनस साइन 4x प्लस 10 अपॉन 4 2 4 2 8 प्लस c,
ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर टू, टू में क्या देखा है, साइन 3x कोस 4x, समाक लेने साइन 3x कोस 4x इंटू डीएक्स। तो देखो मैंने सूत्र बताया था ना, कौन सा सूत्र अप्लाई होगा यहाँ पे, 2 साइन एक्स कोस वाई, या फिर ए या बी मान लो, कुछ भी मान लो, इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। हमारे पास यहाँ क्या है, ओनली साइन एक्स कोस एक्स है, तो 2 इस साइड जो एड में चला जाएगा, साइन एक्स कोस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। इसके स्थान पर इसको लिख दो, समाकलन साइन एक्स, देखो एक्स एक्स के स्थान पर क्या है 3x और वाई के स्थान पर 4x, तो एक्स के स्थान पर 3x प्लस 4x प्लस साइन एक्स माइनस वाई, तो 3x माइनस 4x अपॉन 2 इंटू dx इज इक्वल टू समाकलन 3x और 4x 7, तो साइन 7x प्लस साइन 3 माइनस 4 तो माइनस का x अपॉन 2 इंटू dx। देखो मैंने बताया था ना, साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या था, माइनस का साइन एक्स, तो लिख दो समाकलन साइन 7x माइनस साइन एक्स, प्लस और माइनस माइनस के हुए अपॉन 2 इंटू dx। अब इसको अलग अलग लिख दो, 1 बाय 2 बाहर ले लेंगे, साइन 7x इंटू dx माइनस समाकलन साइन एक्स इंटू डीएक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, साइन का समाकलन कोस एक्स कोस 7x अपॉन ये गुणांक एक्स का गुणांक अपॉन में आएगा, साइन है उसका माइनस होता है कोस, माइनस साइन एक्स का कोस एक्स कोस एक्स वो भी माइनस का प्लस सी, तो इज इक्वल टू 1 बाय 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, कोस 7x माइनस का कोस 7x अपॉन 7 टू 7 दुनी 14 14 माइनस और माइनस प्लस कोस एक्स अपॉन 2 प्लस सी, ये अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, कोस 2x कोस 4x और कोस 6x, कोस 2x कोस 4x कोस 6x इंटू डीएक्स, इसका समाकलन करना है। तो सबसे पहले अपन देखो, हमारा सूत्र दो ही पदों में है, कोस और कोस, कोस एक्स और कोस वाई, थ्री ट्रिप नहीं है ना, तो कोस ए प्लस बी ना, कोस ए इंटू कोस बी या कोस एक्स इंटू वाई का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, टू कोस एक्स कोस वाई इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस वाई माइनस कोस एक्स माइनस वाई, कोस एक्स कोस वाई इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस वाई माइनस कोस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ये कोस 2x और कोस 4x के स्थान पर ये फॉर्मूला लगाएंगे, समाकलन कोस x के स्थान पर क्या है 2x प्लस y के स्थान पर 4x माइनस कोस 2x माइनस 4x अपॉन 2 इंटू कोस 6x dx इज इक्वल टू समाकलन कोस 2x और 4x
सिक्स एक्स माइनस कोस टू एक्स माइनस फोर एक्स माइनस के टू एक्स अपॉन टू इंटू कोस सिक्स एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेंगे समाकलन कोस सिक्स एक्स तो देखो कोस माइनस एक्स क्या होता है कोस एक्स कोस माइनस कोस एक्स तो ये माइनस का माइनस ही रहेगा कोस टू एक्स इंटू कोस सिक्स एक्स इंटू डी एक्स ये कोस सिक्स एक्स है ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई करवा दो अंदर वन बाय टू समाकलन कोस सिक्स एक्स इंटू कोस सिक्स एक्स माइनस कोस टू एक्स इंटू कोस सिक्स एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू कोस सिक्स एक्स कोस सिक्स एक्स कोस स्क्वायर सिक्स एक्स माइनस कोस टू एक्स कोस सिक्स एक्स अलग अलग लिख दो इवन को वन बाय टू समाकलन कोस स्क्वायर सिक्स एक्स इंटू डी एक्स माइनस समाकलन कोस टू एक्स कोस सिक्स एक्स इंटू डी एक्स इसका तो समाकलन हो जाएगा इसमें दोबारा से सूत्र अप्लाई हो जाएगा कोस ए कोस बी इज इक्वल टू वन बाय टू इसका तो समाकलन कर दो यहीं भी कोस स्क्वायर सिक्स एक्स कोस स्क्वायर का होता है क्या नहीं होता तो इसको अपन चेंज करेंगे चेंज कर लो इसको कोस स्क्वायर एक्स कोस टू एक्स नहीं कोस टू एक्स टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन तो कोस स्क्वायर टू कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन को इस साइड ले आएंगे तो वन प्लस कोस टू एक्स कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन प्लस कोस टू एक्स अपॉन टू टू एक्स के स्थान पर आ गया सिक्स एक्स वन प्लस कोस सिक्स एक्स कोस टू इंटू सिक्स एक्स अपॉन टू इंटू डी एक्स ये माइनस कोस टू एक्स कोस सिक्स एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू देखो यहां पे तो देखो ये ऊपर वाला सूत्र है ना ये वाला ये अप्लाई हो जाएगा और इसका समाकलन हो जाएगा इसका तो समाकलन कर दो वन बाई टू वन बाई टू ये समाकलन से बाहर ले लेंगे फिर समाकलन वन डॉट डी एक्स फिर प्लस समाकलन कोस टू सिक्स ट्वेल्व एंड छह दूनी बारह एक्स इंटू डी एक्स माइनस समाकलन कोस एक्स प्लस कोस एक्स प्लस वाई माइनस कोस एक्स माइनस वाई अपॉन टू ये फॉर्मूला अप्लाई करो यहाँ पे कोस एक्स के स्थान पे क्या टू एक्स टू एक्स प्लस वाई के स्थान पे सिक्स एक्स माइनस कोस टू एक्स माइनस सिक्स एक्स अपॉन टू इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू वन अपॉन टू वन का समाकलन एक्स प्लस कोस एक्स का साइन एक्स साइन ट्वेल्व एक्स और थीटा ट्वेल्व थीटा का ट्वेल्व माइनस समाकलन कोस टू एक्स और सिक्स एक्स एट एक्स माइनस कोस माइनस के फोर एक्स अपॉन टू इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू वन इसको खोल के लिख दो एक्स बाई टू प्लस साइन ट्वेल्व एक्स अपॉन ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर यानी बारह दूनी चौबीस माइनस
मार्क लाइन कोस 8x कोस माइनस थीटा कोस थीटा तो माइनस कोस 4x अपॉन 2 इंटू डीएक्स। अब इसको अलग अलग लिख दो इज इक्वल टू 1/2 एक्स बाई टू प्लस साइन 12x अपॉन 24 माइनस 1/2 समाकलन से बाहर आएगा तो समाकलन कोस 8x इंटू डीएक्स माइनस कोस 4x इंटू डीएक्स इज इक्वल टू 1/2 एक्स बाई टू प्लस साइन 12x अपॉन 24 माइनस 1/2 कोस एक्स का साइन एक्स साइन 8x अपॉन 8x का 8 माइनस कोस 4x का साइन 4x अपॉन 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 1/2 एक्स बाई टू प्लस साइन 12x अपॉन 24 माइनस साइन 8x अपॉन 8 को इस 2 से मल्टीप्लाई करवा दो 8 दूनी 16 एंड 2 एट 16 माइनस और माइनस प्लस साइन 4x अपॉन 2 फोर जा 8 प्लस 6 अब 1/2 है इसको इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाओ x बाई 4 प्लस साइन 12x अपॉन 24 टू जा 48 माइनस साइन 8x अपॉन 16 टू जा 32 प्लस साइन 4x अपॉन 8 टू जा 16 प्लस सी। यहाँ पे 4 देखो ये तो ओनली 4 है 48 में भी 4 है 32 में भी और 16 में भी यहाँ से 4 को कॉमन ले लो बाहर निकाल लो देखो 1/4 तो यहाँ x प्लस साइन 12x अपॉन 12 माइनस साइन 8x अपॉन 8 प्लस साइन 4x अपॉन 4 प्लस सी ये अपना आंसर। क्वेश्चन 4 साइन क्यूब 2x प्लस 1 समाकलन साइन क्यूब 2x प्लस 1 इंटू डीएक्स साइन क्यूब एक्स है इसको दो टुकड़ों में डिवाइड कर दो साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 इंटू डीएक्स। अब देखो साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 तो हमें साइन स्क्वायर x चाहिए तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पर 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स को लिखेंगे समाकलन 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स एक्स के स्थान पर क्या है यहाँ पे 2x प्लस 1 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 इंटू dx। अब देखो cos x को t मान लेंगे लेट cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू t cos x का अवकलन sin x और वो भी माइनस का sin 2x प्लस 1 और 2x का इंटू 2 इंटू dx इज इक्वल टू dt sin 2x प्लस 1 इंटू dx इज इक्वल टू माइनस 1/2 dt साइन 2x प्लस 1 इंटू डीएक्स ये वाले ट्री मैंने इसके स्थान पर माइनस 1/2 dt लिखेंगे इज इक्वल टू स्मॉल n माइनस बाहर लिखेंगे 1/2
डी टी, इसके स्थान पे तो हो गया तो वन माइनस कोस को क्या माना था टी, तो कोस स्क्वायर है तो टी स्क्वायर, टी स्क्वायर डी टी। अब वन बाई हाफ समाकलन से बाहर लिख देंगे और वन माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब इनको अलग अलग लिखो, माइनस वन बाई टू समाकलन वन डॉट डी टी माइनस समाकलन टी स्क्वायर डॉट डी टी इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू। वन का समाकलन टी माइनस टी स्क्वायर का समाकलन एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो टी की पावर टू है तो टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन प्लस सी इज इक्वल टू माइनस वन बाई हाफ वन बाई टू टी माइनस टी की टू प्लस वन थ्री अपॉन थ्री प्लस सी। टी किसको माना था हमने, कोस टू एक्स प्लस वन, तो टी के स्थान पर कोस टू एक्स प्लस वन लिखेंगे, माइनस वन बाई टू कोस टू एक्स प्लस वन, कोस टू एक्स प्लस वन माइनस कोस क्यूब टू एक्स प्लस वन अपॉन थ्री प्लस सी। वन बाई टू इसको अंदर लिख दो मल्टीप्लाई में, कोस टू एक्स प्लस वन अपॉन टू और माइनस प्लस कोस क्यूब टू एक्स प्लस वन अपॉन थ्री टू जा सिक्स प्लस सी, ये अपना आंसर। क्वेश्चन फाइव, फाइव क्या है, साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स समाकलन साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। तो देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब है इसको साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पर वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिखेंगे, वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो लेट कोस एक्स इज इक्वल टू टी, तो कोस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, साइन एक्स डी एक्स के स्थान पर माइनस डी टी लिखेंगे समाकलन, माइनस बाहर डी टी साइन एक्स और डी एक्स के स्थान पर, वन माइनस कोस कोस एक्स को टी तो माइनस टी स्क्वायर इंटू साइन एक्स, साइन एक्स की जगह क्या लिखेंगे कोस क्यूब एक्स कोस तो टी की क्यूब। अब इसको इसके साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करा दो इसके अंदर इज इक्वल टू माइनस स्मॉकलन टी की क्यूब माइनस टी की टू और थ्री फाइव इंटू डी टी। इज इक्वल टू माइनस अलग अलग लिखो इनको टी क्यूब डी टी और माइनस प्लस टी की पावर फाइव डी टी इज इक्वल टू एक्स की पावर एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो यहाँ पे, टी की पावर थ्री प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन प्लस टी की पावर फाइव प्लस वन अपॉन फाइव प्लस वन प्लस सी इज इक्वल टू टी की पावर थ्री और वन फोर अपॉन फोर प्लस टी की पावर फाइव और वन सिक्स अपॉन सिक्स प्लस सी। टी किसको माना था कोस एक्स को, तो टी के स्थान पर कोस एक्स पुट करेंगे इज इक्वल टू कोस की पावर फोर एक्स अपॉन फोर प्लस कोस की पावर सिक्स एक्स अपॉन सिक्स प्लस सी।
हो गया, ये अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, साइन एक्स, साइन 2x और साइन 3x, स्मार्क लाइन साइन एक्स साइन 2x साइन 3x इंटू डी एक्स। साइन एक्स और साइन 2x यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कराएंगे, साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी अपॉन टू इज इक्वल टू स्मॉल लाइन कोस एक्स प्लस टू एक्स एक्स माइनस टू एक्स माइनस एक्स माइनस टू एक्स और माइनस का कोस एक्स प्लस वाई एक्स प्लस टू एक्स इंटू साइन थ्री एक्स साइन थ्री एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू स्मॉल लाइन कोस एक्स माइनस टू एक्स तो कोस माइनस एक्स और माइनस कोस एक्स प्लस टू एक्स थ्री एक्स इंटू साइन थ्री एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे अंदर। पहले देखो कोस माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स तो कोस प्लस और माइनस के प्लस कोस एक्स माइनस कोस थ्री एक्स इंटू साइन थ्री एक्स डी एक्स इज इक्वल टू स्मॉल लाइन थ्री एक्स को कोस एक्स और कोस थ्री एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे कोस एक्स इंटू साइन थ्री एक्स माइनस कोस थ्री एक्स साइन थ्री एक्स इंटू डी एक्स। कोस और साइन कोस और साइन के अंदर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे टू कोस ए कोस बी इज इक्वल टू साइन टू कोस ए साइन बी वाला होगा यहाँ पे टू कोस ए साइन बी कोस ए और साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी कोस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी अपॉन टू। फॉर्मूला अप्लाई करो यहाँ पे एक्स के ए के स्थान पर एक्स और बी के स्थान पर थ्री एक्स है तो साइन ए प्लस बी यानी एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस साइन ए माइनस बी तो एक्स माइनस थ्री एक्स अपॉन टू तो अपॉन टू माइनस साइन ए प्लस बी तो साइन थ्री एक्स प्लस साइन थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स अपॉन टू इंटू डी एक्स। यहां पर भी अपॉन में टू है तो यहां पर भी अपॉन में टू आएगा तो टू को बाहर निकाल लेंगे यहाँ पे वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू यहाँ पे भी वन बाई टू आएगा फिर इज इक्वल टू वन बाई टू स्मॉल लाइन साइन एक्स प्लस थ्री एक्स साइन फोर एक्स प्लस साइन एक्स और माइनस का थ्री एक्स माइनस का टू एक्स अपॉन टू माइनस साइन थ्री एक्स और थ्री एक्स सिक्स एक्स प्लस साइन थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स साइन जीरो अपॉन टू इंटू डी एक्स। इसका एलसीएम पहले देखो साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू स्मॉकलन साइन फोर एक्स प्लस और माइनस माइनस साइन टू एक्स अपॉन टू माइनस
साइन 6x प्लस साइन 0, 0 ही होता है, प्लस 0 अपॉन 2 इंटू डीएक्स। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 1 अपॉन 2 समाकलन, एलसीएम 2 आएगा साइन 4x माइनस साइन 2x माइनस साइन 6x इंटू डीएक्स। अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बाहर ले लेंगे, इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 समाकलन साइन 4x माइनस साइन 2x माइनस साइन 6x इंटू डीएक्स इज इक्वल टू 1/4। इनको अलग अलग लिखो समाकलन में, समाकलन साइन 4x डीएक्स माइनस समाकलन साइन 2x डीएक्स माइनस समाकलन साइन 6x डीएक्स इज इक्वल टू 1/4। साइन 4x का कोस 4x अपॉन ये 4x का 4, यहां देखो समाकलन ऑफ साइन x का क्या होता है, माइनस का कोस x, तो यहाँ पे कोस x इसका आएगा माइनस का, माइनस का कोस x माइनस साइन 2x का कोस 2x, 2x का अपॉन में 2 लेकिन माइनस का, फिर माइनस साइन 6x का कोस 6x और 6x का अपॉन 6 और साइन माइनस का प्लस c इज इक्वल टू 1/4 माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे माइनस का कोस 4x अपॉन 4 माइनस और माइनस प्लस कोस 2x अपॉन 4 टू जा 8 माइनस और माइनस प्लस कोस 6x अपॉन 6 फोर जा 24 प्लस सी इज इक्वल टू माइनस कोस 4x अपॉन 4 फोर जा 16 प्लस कोस 2x अपॉन 8 प्लस कोस 6x अपॉन 24 प्लस सी। 4 की टेबल में 16 भी आता है, 8 भी और 24 भी, तो यहां से 4 कॉमन ले लेंगे। देखो लो यहाँ पे 1/4, तो प्लस की संख्या है वो पहले लिख दो, कोस 6x अपॉन 24 में 4 का डिवाइड करेंगे 6 टाइम प्लस कोस 2x अपॉन 2x अपॉन 4 में 8 में 4 का डिवाइड 2 टाइम और माइनस कोस 4x अपॉन 16 में 4 का डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा 4 टाइम प्लस सी, ये अपना आंसर होगा। यहाँ पे प्लस 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 यहाँ पे माइनस कोस 2x अपॉन 8 कोस 2x माइनस, तो यहाँ पे 2x कोस 2x माइनस का कितना हुए क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन 7। सेवन में क्या है, समाकलन साइन 4x साइन 8x इंटू डीएक्स, तो यहाँ देखो 2 साइन a साइन b, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला क्या होता है, कोस a माइनस b माइनस कोस a प्लस b, तो इज इक्वल टू साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी अपॉन 2, ये
ए के स्थान पर 4x और बी के स्थान पर 8x है। तो लिखो यहाँ पे समाकलन कोस 4x माइनस 8x माइनस कोस 4x प्लस 8x अपॉन 2 इंटू dx इज इक्वल टू 1/2। समाकलन से बाहर ले लेंगे कोस 4x माइनस 8x माइनस 4x माइनस कोस 4 और 8 12 है कोस 12 है x अपॉन 2 इंटू dx चूंकि कोस माइनस x इज इक्वल टू कोस x इज इक्वल टू 1/2। टू बाहर ले लें यहाँ से समाकलन कोस 4x माइनस कोस 12 एक्स इंटू डी एक्स हम इनको अलग अलग लिखेंगे 1/2 समाकलन कोस 4x इंटू डी एक्स माइनस समाकलन कोस 12 एक्स इंटू डी एक्स इनका समाकलन करेंगे 1/2 कोस एक्स का समाकलन समाकलन ऑफ कोस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स साइन 4x 4x का अपॉन 4 माइनस कोस 12x का साइन 12x 12x का अपॉन 12 प्लस सी इज इक्वल टू 1/2 है और 4 और 12 में क्या कॉमन है 4 तो 4 भी वन निकाल लेंगे 4 साइन 4x माइनस साइन 12x अपॉन 12 में 4 का डिवाइड कितने टाइम 3 टाइम यानी 12 में 4 का भाग 3 बार जा रहा है इसलिए 3 यहाँ पे आ गया प्लस सी इज इक्वल टू 1/4 × 8 साइन 4x माइनस साइन 12x अपॉन 3 प्लस सी ये अपना आंसर हो गया। 7th क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन 8 नंबर 8 क्या है क्वेश्चन 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स समाकलन 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। तो देखो कोस 2x कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 वन इस साइड लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा 1 प्लस कोस 2x इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स लेकिन कोस 2x नहीं है यहाँ पे ओनली कोस एक्स है तो 1 प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 ये गुणांक कोस का गुणांक है ये यहाँ इस साइड डिवाइड में चला जाएगा 1 प्लस कोस एक्स के स्थान पर 2 कोस स्क्वायर एक्स और कोस 2x 1 माइनस के स्थान पर क्या करेंगे कोस 2x का एक तो कोस के पद में तो फॉर्मूला ये है और साइन के पदों में क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कोई साइड लेके आओ 2 साइन स्क्वायर एक्स पॉजिटिव और इसको इस साइड लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव 1 माइनस कोस 2x ओनली 1 माइनस कोस x का 1 माइनस कोस x का चाहिए हमें तो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 1 माइनस कोस के स्थान पर तो हम 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 पुट करेंगे और 1 प्लस कोस x के स्थान पर 2 कोस स्क्वायर x बाई 2 ये पुट करेंगे तो कर दो देखो समाकलन 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स 2 से 2 कैंसिल साइन अपॉन कोस 10 तो 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स 10 के पदों में समाकलन का कोई फॉर्मूला नहीं है तो अपन क्या करेंगे 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये पुट करेंगे इज इक्वल टू समाकलन sec स्क्वायर
x के स्थान पर क्या है x बाई टू, तो x बाई टू माइनस वन इंटू डी एक्स। अभी इनको अलग अलग लिख दो, समाकलन sec स्क्वायर x बाई टू इंटू डी एक्स माइनस समाकलन वन डॉट डी एक्स। sec स्क्वायर x का समाकलन टेन एक्स, टेन एक्स बाई टू और वन बाई x बाई टू का वन बाई टू माइनस x प्लस सी। देखो यहाँ पे निकाल देती हूँ मैं, यहाँ पे ये वन बाई टू ऊपर जाएगा तो टू टेन एक्स बाई टू माइनस एक्स प्लस सी, ये अपना आंसर। सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का समाकलन टेन एक्स बाई टू और एक्स बाई टू का वन बाई टू और वन का एक्स प्लस सी। क्वेश्चन एट तक कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन नाइन। क्वेश्चन नाइन में क्या है, cos x अपॉन वन प्लस cos x इंटू डी एक्स। अब देखो इसमें क्या करना है, अंश में ऊपर वाला ने इसको वन प्लस cos x बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे देखो, अंश में एक जोड़ने वे घटाने पर, एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे। तो देखो cos x प्लस वन माइनस वन अपॉन वन प्लस cos x डी एक्स इज इक्वल टू समाकलन वन प्लस cos x अपॉन वन प्लस cos x। इनको अलग अलग लिखेंगे, देखो वन को तो इसके साथ प्लस में लिख दिया प्लस माइनस, ये माइनस का है वन तो यहाँ पे माइनस वन अपॉन वन प्लस cos x इंटू डी एक्स। तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ क्या हुआ, क्या बचा वन डॉट डी एक्स और यहाँ पे माइनस समाकलन वन अपॉन वन प्लस cos x इंटू डी एक्स। वन प्लस cos x पीछे वाले एट के क्वेश्चन में था ना वन प्लस cos x, तो इसके स्थान पर हमने क्या पुट किया था, वन प्लस cos x इज इक्वल टू टू cos स्क्वायर x बाई टू, तो यहाँ पर पुट कर दो इज इक्वल टू समाकलन वन डॉट डी एक्स माइनस समाकलन टू cos स्क्वायर x बाई टू इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वन का समाकलन, नहीं पहले इसको ही चेंज कर लेते हैं, माइनस टू टू को बाहर ले लेंगे समाकलन से, बाहर लो चाहे यहीं पर रखो, देखो इसको cos टू cos स्क्वायर x बाई टू इसको क्या लिख सकते हैं हम, वन अपॉन टू cos स्क्वायर x बाई टू लिख सकते हैं या नहीं, वन अपॉन टू cos स्क्वायर x बाई टू इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वन डॉट डी एक्स माइनस वन बाई टू को बाहर लिखो, वन अपॉन cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x तो sec स्क्वायर x बाई टू इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, अब समाकलन कर दो इनका, वन का समाकलन x माइनस वन बाई टू, sec स्क्वायर x का टेन स्क्वायर टेन एक्स बाई टू और x बाई टू का वन बाई टू प्लस सी। x माइनस वन बाई टू, वन बाई टू ऊपर जाएगा तो टू बाई वन टेन एक्स बाई टू प्लस सी, टू से टू कैंसिल इज इक्वल टू x माइनस टेन एक्स बाई टू प्लस सी, ये अपना आंसर। क्वेश्चन टेन में क्या है, टेन का क्वेश्चन क्या है, साइन की पावर फोर एक्स, साइन की पावर फोर एक्स इंटू डी एक्स। तो देखो सबसे पहले साइन फोर एक्स है ना, इसको डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर एक्स की होल स्क्वायर इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। अब साइन स्क्वायर एक्स का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, वन प्लस कोस टू एक्स का लगाओ यहाँ पे, कोस टू एक्स इज इक्वल टू साइन के पद में क्या आता है टू साइन स्क्वायर एक्स, टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन, हमें किसका चाहिए साइन स्क्वायर का, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन इस साइड लेके आएंगे प्लस का
वन प्लस कोस टू एक्स, पीछे वाले क्वेश्चन में था ना साइन स्क्वायर एक्स का, ऐसे ही इसमें भी अप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स वन प्लस कोस टू एक्स, करो यहाँ पे अप्लाई साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पे स्मॉल लाइन वन माइनस कोस टू एक्स अपॉन टू की होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये फॉर्मूला कोस टू एक्स इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स इस साइड प्लस का टू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन माइनस टू एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन माइनस कोस टू एक्स अपॉन टू, ये फॉर्मूला ये वाला और ये वाला सेम है, इज इक्वल टू स्मॉल वन बाई टू को स्मॉल से बाहर लिख वन बाई टू टू फोर हो जाएगा, टू की होल स्क्वायर है इसलिए, और ये वन माइनस कोस टू एक्स इंटू डी एक्स की होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई फोर, ए माइनस बी की होल स्क्वायर है ये, ए माइनस बी की होल स्क्वायर, इसको खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए और बी सूत्र से स्मॉल लाइन वन की स्क्वायर वन प्लस कोस टू एक्स की स्क्वायर कोस स्क्वायर टू एक्स और माइनस टू ए इंटू बी, तो ए वन और बी कोस टू एक्स इंटू डी एक्स, अब इनको अलग अलग लिखो वन अपॉन फोर स्मॉल लाइन वन डॉट डी एक्स प्लस स्मॉल लाइन कोस स्क्वायर टू एक्स इंटू डी एक्स माइनस टू स्मॉल लाइन कोस टू एक्स इंटू डी एक्स, अब यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन प्लस कोस टू एक्स अपॉन टू वाला, इज इक्वल टू वन बाई फोर स्मॉल लाइन वन डॉट डी एक्स प्लस स्मॉल लाइन यहाँ करो वन प्लस कोस टू है ना टू एक्स, एक्स के स्थान पर क्या है टू एक्स इंटू टू एक्स अपॉन टू इंटू डी एक्स माइनस स्मॉल लाइन कोस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई फोर स्मॉल वन का एक्स प्लस वन बाई टू, ये स्मॉल से बाहर आ जाएगा और ये दोनों को डिवाइड करके लिख देंगे वन डॉट डी एक्स प्लस स्मॉल कोस टू इंटू टू एक्स फोर एक्स इंटू डी एक्स माइनस स्मॉल कोस टू एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई फोर एक्स प्लस वन बाई टू वन का स्मॉल एक्स और इसके साथ भी वन बाई टू है प्लस वन बाई टू कोस फोर एक्स का साइन फोर एक्स अपॉन फोर माइनस कोस टू एक्स का साइन टू एक्स अपॉन टू प्लस सी इज इक्वल टू वन बाई फोर एक्स और एक्स बाई टू कितने हो गए यहाँ पे एलसीएम ले लो इस साइड लेके बताती हूँ आपको एक्स प्लस वन बाई टू इंटू एक्स एलसीएम क्या आएगा टू इसके अपॉन में क्या है वन टू में वन का डिवाइड करेंगे टू टाइम यानी दो में एक का पड़ा दो बार तो दो को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो एक्स प्लस दो का दो में एक बार तो एक को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक एक्स इज इक्वल टू टू और वन थ्री थ्री एक्स बाई टू है थ्री एक्स बाई टू प्लस साइन फोर एक्स अपॉन फोर को टू से मल्टीप्लाई किया एट माइनस
साइन 2x अपॉन 2 प्लस सी, ये अपना आंसर होगा। क्वेश्चन 10 इलेवन है समाकलन कोस की पावर 4 इंटू 2x इंटू dx, कोस की पावर 4 2x इंटू dx। ये 10 की तरह, ये 10 का क्या साइन की पावर 4x था, इसने कोस की पावर 4x इंटू 2x था, तो क्या करेंगे सबसे पहले इसको डिवाइड टुकड़ों में तोड़ेंगे, तो कोस स्क्वायर 2x की होल स्क्वायर इंटू dx, तो कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2, तो लिखो यहाँ पे समाकलन 1 प्लस x, x के स्थान पे क्या है 2x, तो x के स्थान पे 2x रखेंगे यहाँ पे, कोस 2 इंटू 2x अपॉन 2 इंटू dx इज इक्वल टू समाकलन 2 बाहर आ जाएगा 1/2, अंदर क्या बचा 1 प्लस कोस 2 इंटू 2x 4x इंटू डी एक्स, इनको अलग अलग लिख दो यहाँ पे 1/2 समाकलन 1 डॉट डी एक्स प्लस समाकलन कोस 4x इंटू डी एक्स, यहाँ क्या था स्क्वायर होल स्क्वायर थी यहाँ पे, तो यहाँ पे होल स्क्वायर तो इसकी होल स्क्वायर 4 बाहर निकालेंगे तो 1/4 आएगा, 1/4 इनको अलग अलग बाद में करेंगे, पहले स्क्वायर खोल लेंगे इसकी a प्लस बी की होल स्क्वायर 1/4 समाकलन 1 की स्क्वायर 1 प्लस कोस स्क्वायर 4x प्लस 2 कोस 4x इंटू डी एक्स, अब इनको अलग लिखते इज इक्वल टू 1/4 समाकलन 1 डॉट डी एक्स प्लस समाकलन कोस की पावर 4 कोस की पावर 2 इंटू 4x इंटू डी एक्स प्लस 2 समाकलन कोस 4x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/4 समाकलन 1 डॉट डी एक्स प्लस, इसको पहले लिख दो यहाँ पे 2 समाकलन कोस 4x इंटू डी एक्स प्लस समाकलन कोस स्क्वायर 4x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/4 1 का समाकलन x प्लस 2 कोस 4x का समाकलन साइन 4x साइन 4x और 4x का अपॉन में 4 प्लस कोस स्क्वायर x, तो देखो कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2, ये लिखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स, एक्स के स्थान पर क्या है 4x कोस 2 इंटू 4x अपॉन 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/4 एक्स प्लस 2 दुनी 4 तो साइन 4x अपॉन 2 प्लस 1/2 बार लिख ले लेंगे और इसका 1 डॉट डी एक्स प्लस कोस समाकलन कोस 2 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/4 एक्स प्लस साइन 4x अपॉन 2 प्लस 1/2 1 का समाकलन x प्लस कोस 8x का साइन 8x अपॉन 8 प्लस सी इज इक्वल टू 1/4 एक्स प्लस साइन 4x अपॉन 2 प्लस इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स बाय 2 प्लस साइन 8x अपॉन 8 टू 8 था 16 प्लस सी एक्स और एक्स बाय 2 को ऐड कर देंगे एक्स प्लस एक्स बाय 2 को ऐड किया सबसे पहले एलसीएम लेंगे 1 देखो 2 में 1 का डिवाइड 1 टाइम यानी 2 में 1 का भाग कितने बार 2 बार 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 2 में 2 का 1 बार 1 को x ने किया x इज इक्वल टू 2 और x 3x अपॉन 2
लिखो इज इक्वल टू वन बाई फोर एक्स और एक्स बाई टू थ्री एक्स बाई टू थ्री एक्स बाई टू प्लस साइन फोर एक्स अपॉन टू प्लस साइन एट एक्स अपॉन सिक्सटीन प्लस सी इतना आंसर ट्वेल्व क्या साइन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस कोस एक्स समाकलन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स यही तो है ट्वेल्व का यही तो यही है देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है वन तो अपने पास क्या है साइन स्क्वायर एक्स तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोस को इस साइड ले जाएंगे तो कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पर वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिखेंगे तो लिखो वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस कोस एक्स समाकलन इंटू डी एक्स देखो वन है मैं वन का स्क्वायर करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना वन वन डॉट वन इज इक्वल टू वन इसलिए लेकिन यहाँ पे क्या सूत्र बन गया ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये वाला सूत्र अप्लाई करेंगे यहाँ पे समाकलन ए के स्थान पर वन और बी के स्थान पर कोस एक्स तो ए प्लस बी यानी वन प्लस कोस एक्स इंटू वन माइनस कोस एक्स अपॉन वन प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स वन प्लस कोस एक्स से वन प्लस कोस एक्स कैंसिल तो समाकलन वन माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स ये हो गया अब इनको अलग अलग लिख दो समाकलन वन डॉट डी एक्स माइनस समाकलन कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वन का समाकलन एक्स कोस का साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी ये अपना आंसर क्वेश्चन 13 देखो 13 का क्वेश्चन क्या है कोस 2x माइनस कोस 2 अल्फा अपॉन कोस x माइनस कोस अल्फा समाकलन डी एक्स ये वाला है देखो कोस 2x और कोस 2 अल्फा इसके स्थान पर हम वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि हमें कोस x माइनस कोस अल्फा लेके आना है तो कोस 2x इसके दो सूत्र होते हैं एक तो साइन के अंदर और एक कोस के अंदर कोस वाला अप्लाई करें आप कोस टू एक्स इज इक्वल टू टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन कोस टू एक्स के स्थान पर वैसे ही कोस टू अल्फा इसके स्थान पर क्या होगा टू कोस स्क्वायर अल्फा माइनस वन तो रखो यहाँ पे वैल्यू समाकलन टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू माइनस टू कोस स्क्वायर अल्फा माइनस वन अपॉन कोस एक्स माइनस कोस अल्फा इंटू डी एक्स अब इसको खोल दो ब्रैकेट को टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन और माइनस टू कोस स्क्वायर अल्फा और माइनस प्लस का वन अपॉन कोस एक्स माइनस कोस अल्फा इंटू डी एक्स ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट है तो समाकलन टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस टू कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस एक्स माइनस कोस अल्फा इंटू डी एक्स टू इसमें भी है टू इसमें भी है तो टू को कॉमन लेंगे बाहर निकाल दो समाकलन से इसको कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस एक्स माइनस कोस अल्फा इंटू डी एक्स अब समझ में आएगा ना कोस का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई क्यों किया आपने क्योंकि नीचे कोस और कोस दोनों ही थे इसलिए तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू टू समाकलन ए क्या है कोस एक्स तो कोस एक्स माइनस कोस अल्फा इंटू कोस एक्स प्लस कोस अल्फा अपॉन कोस एक्स माइनस कोस अल्फा इंटू डी एक्स इससे ये कैंसिल आउट क्या हो गया टू समाकलन कोस एक्स प्लस कोस अल्फा इंटू डी एक्स अब इनको अलग अलग लिख दो यहाँ पे
टू समाकलन कोस एक्स डीएक्स प्लस समाकलन कोस अल्फा डीएक्स। यहाँ पे करेंगे टू कोस एक्स का समाकलन साइन एक्स प्लस कोस अल्फा का, कोस अल्फा जो कि क्या है कॉन्स्टेंट, इसको समाकलन से बाहर लिखेंगे वन डॉट डीएक्स इज इक्वल टू टू साइन एक्स प्लस कोस अल्फा वन का एक्स प्लस सी इज इक्वल टू टू साइन एक्स, टू को मल्टीप्लाई करवाएंगे अंदर टू एक्स कोस अल्फा प्लस सी। ये अपना क्वेश्चन 13 तक कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14। थैंक यू।